बहुत से लोग हैं ये सात चीजें हो सकता है करते हैं, आठवीं खाई में गिर जाते हैं। अगर आप उनकी कहानी सुनो, वो कहते हैं कि उस जमाने में हम लोग इल्म हासिल किया करते थे, उस जमाने में हम लोग लेक्चर देखा करते थे, दर्स में जाया करते थे, किताब पढ़ा करते थे, ये चीज सुना करते थे। फिर क्या हुआ? होता क्या है कि ये करने के बाद शैतान कहता है अब तुम्हें सब आ गया, अब तुम्हें सब मालूम है। तो फिर एक इंसान को लगता है मुझे तो सब मालूम है, और जब ये लगता है कि मुझे सब मालूम है तो वहां पर क्या होता है, क्या होता है, सीखना बंद कर देता है। मेरे भाइयों, इल्म हासिल करना जिंदगी के एक मरहले के बारे में नहीं है मामला, ये जो रास्ता है ना जिंदगी भर चलने का रास्ता है। कई लोग बोले कि इल्म हासिल करने के लिए तालिब इल्मी के साल हमारे 5 साल है, 7 साल है, 9 साल है, नहीं, जिंदगी भर तालिब इल्म बन के रहना है। हम देखते हैं कि जन्नत का रास्ता आसान होता है, साहलल्लाहु लहु बिही तरीकन इलल जन्ना, इल्म हासिल करने वाले के लिए जन्नत का रास्ता आसान होता है। तो हम क्या ये नहीं चाहते कि जन्नत का रास्ता हमेशा आसान रहे? क्या हम ये चाहते हैं कि जिंदगी के 5 साल तक, 4 साल तक, 2 साल तक आसान रहे या हमेशा आसान रहे? हमेशा सीखते रहना है। इसी वजह से एक आठवीं चीज चाहिए, वो है तलब ज्यादा, ज्यादा की तलब और चाहिए। अच्छा, हिर्स, लालच। एक हदीस लालच के ताल्लुक से आ चुकी है आज, उसमें क्या आया था? दो चीजों की लालच के बारे में आया था, माल और इज्जत की लालच। कैसी है ये, अच्छी है, बुरी है? कितनी बुरी है? दो भूखे भेड़िए, एक इंसान को भूखे भेड़िए अगर मेंढियों में छोड़ दिया जाए उतना नुकसान नहीं पहुंचाएंगे जितना ये दो चीजें एक शख्स के दीन को पहुंचाएगी। अब चलिए लालच के टॉपिक पे फिर से आ रहे हैं। सवाल ये है कि क्या इल्म की लालच अच्छी बात है, बुरी बात है? हाँ, अभी तो बोल रहे थे लालच बुरी चीज है, अब क्या बोल रहे हैं? उनकी लालच कि भाई बहुत लालची हो, एक हदीस और सुनने मिल जाए, एक बात और पता चल जाए, ये अच्छी बात है, बुरी बात है? इसकी दलील बिल्कुल सही, वक़ुर रब्बी ज़िदनी इल्मा, और कहो ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा कर। तो इल्म की लालच अच्छी चीज है। अगर ये लालच चली गई, अगर एक तरह से सेटिस्फाइड हो गया, बस मुझे आ गया सब कुछ, तो वहां पे तालिबे इल्म की कहानी वहीं पे स्टॉप हो जाती है, वहीं पे खत्म हो गई। फिर बोलना कि वो जमाने में मैं सुना करता था, मैं जाके कोर्स में बैठा था, हाँ, मजबूत बुनियादी मौजू के नाम के कोर्स में जाके बैठा था करके मत बोलना, था और हूं और हमेशा तालिबे इल्म रहूंगा मैं। मतलब क्या है कि ये एक ऐसी चीज है जो शाम तक कोर्स खत्म नहीं होने वाला है, ये चीज है जो हकीकत में मकसद ये है कि हम सब की भलाई की चीज है कि हम हमेशा तालिब इल्म बन के रहे, कंटिन्यूस इल्म के रास्ते पर चलते रहे। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनें, तलब ज्यादा, ज्यादा की तलब, हाँ, रग़बत, चाहत, इल्म चाहिए और चाहिए। आप देखोगे एक हदीस है जिसमें वाज़े दलील है इस बात की। कई लोग बोले अरे क्या बात बोल रहे हैं, लालच अच्छी चीज हो सकती है? मैं आपको हदीस बता रहा हूं, सही बुखारी में हदीस है। अबू हुरैरा रदिल्लाहु अन्हु ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सवाल पूछा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा मुझे पता था ये सवाल तुम ही पूछने वाले हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो हदीस की हिर्स है, हदीस की हिर्स, हदीस के अंदर वर्ड्स है हिर्स, लालच। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू हुरैरा से क्या कह रहे हैं, तुम्हारे अंदर जो हदीस की लालच है इस वजह से मुझे पता था ये सवाल सबसे पहले तुम ही पूछोगे। तो हम देखते हैं मेरे भाइयों, मेरी बहनें, कि इल्म के अंदर क्या होना चाहिए, हिर्स होनी चाहिए। सुनने में आया कोई आलिम आया, बड़े स्कॉलर आए बॉम्बे में, जाओ। सुनने में आया कोई नया कोर्स आ रहा है, जाओ सीखो, कुरान हदीस का इल्म है हासिल करो, कोई अच्छा प्रोग्राम है पहुंचो, क्योंकि लालच होनी चाहिए और चाहिए। मतलब कितना चाहिए तुम्हें, बहुत सीखे तो भी और चाहिए, हाँ बहुत सीख लिए तो और चाहिए। इंशाल्लाह लालची बनेंगे क्या? लालची बनने सीखे यार आप यहां से, इल्म के लालची। अच्छा, नेकियों का भी लालची होना गलत बात नहीं, कि और नेकी चाहिए, हाँ और नेकी चाहिए, कितनी नेकी चाहिए, बस और चाहिए, लालची। इल्म के लिए लालच, अमल के अंदर अच्छे अमल में लालच होना कोई बुरी बात नहीं। हाँ, तो हो गया 8 पॉइंट।